अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसमें क्या कुछ नया है? ऐसा है, इस बार मेले में जो तैयारियां चल रही हैं वो सभी नई तरीके। एक तो सबसे अहम है लाइट पर इतना फोकस हम लोगों ने किया है। जो जन्मभूमि मथुरा में सजावट हुई थी जन्माष्टमी पर, वो सजावट हम यहाँ लेके आए हैं। विशेषकर पिछले ठेकेदार की अपेक्षा हमको ये कहा जा रहा था कि लाइट अच्छी लगाना तो हम कह नहीं सकते थे, लेकिन हमने इतनी अच्छी लाइट मंगाई है जो पूरा शहर इसको जब जलता हुआ देखेगा तब इसकी तारीफ करेगा। अच्छा, क्या प्रशासन की ओर से आपको सहयोग मिल रहा है? नहीं, प्रशासन की तरफ से हमें पूरा सहयोग है, हर संभव मदद है, हर वक्त प्रशासन मेरे साथ खड़ा है। ऐसा नहीं उन्होंने ठेका हमने ले लिया है तो मेरी मदद ना कर रहे हैं। SDM साहब, ADM साहब, DM साहब सभी हमारी मदद में। हाइडल विभाग में थोड़ी हमें दिक्कत आई थी, उसमें DM साहब ने मेरी पूरी मदद की तो मेरा कनेक्शन हो चुका है। और जो यहाँ पर सुनने में आ रही थी जो जल भराव और पानी की समस्या है, ये तो बरसात की महिमा थी। अब बरसात हो नहीं रही है, पानी सब सूख गया है, कहीं भी जल भराव है नहीं। अब और हर जगह पंप लगे हुए हैं, नेक भी अगर पानी बरसेगा तो सब गवर्नमेंट की तरफ से जो पंप लग गए हैं उससे पानी तुरंत निकल जाएगा। कब से स्टार्ट हो रहा है मेला? मेला तो 13 तारीख से है, वैसे मेन 15 तारीख से मेला विधिवत छठ से स्टार्ट हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं? हम तो, मेरे नाम तो ठेका है, हमारे देखने वाले हमारे सब पार्टनर हैं, यहीं के हैं, सब देख रहे हैं। ये राजीव कुमार बांसड़े हैं, यूसुफ पहलवान हैं, अजय भरद्वाज हैं, सोम गुप्ता अलीगढ़ में हैं।